हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब फ्रेंड। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और बहुत दिनों बाद आप लोगों से मैं ब्लॉग शेयर कर रही हूँ। अभी गर्मी बहुत था तो इसीलिए ब्लॉग नहीं बना पा रही थी। और बेटे का भी अभी छुट्टी लगा हुआ है कोरोना के कारण से, और पर मिस्टर का जो ड्यूटी तो चल ही रहा है, क्योंकि इन लोग का ड्यूटी में कभी छुट्टी रहता नहीं है। जैसे कि डॉक्टर, नर्स और पुलिस वाले का छुट्टी नहीं है, वैसे ही रेलवे वाले को भी छुट्टी नहीं है, क्योंकि ट्रांसपोर्टिंग का काम तो होते ही रहता है फ्रेंड्स। तो इनका भी ड्यूटी चल ही रहा है। और गर्मी बहुत था तो मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी ब्लॉग का। बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर फ्रेंड रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैं ब्लॉग शेयर नहीं कर रही हूँ, तो सॉरी फ्रेंड्स, मैं नहीं कर पा रही थी। तो रीज़न बस यही था कि गर्मी बहुत था और बस इसमें खाना बन जाए, खा ले, सो जाए, वही बहुत बड़ा काम हो जा रहा था, क्योंकि किचन में रहते रहते इतना गर्मी हो जा रहा था फ्रेंड्स कि वीडियो रिकॉर्ड करो तो और ज़्यादा लेट हो जा रहा था, तो मैं इसलिए ज़्यादा नहीं कर पा रही थी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये कौन है, पहचान रहे हो आप इसको? ये अमरकंटक वाले ट्रिप में है। तो ये मेरी दीदी की डॉटर है, इनका भी चैनल है, आप लोग इसके प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कम्युनिटी टैब में मैं डाली हुई हूँ लिंक, चेक कीजिएगा फ्रेंड्स, और भी डाल दूँगी। तो प्लीज़ आप सभी जैसे मुझे सपोर्ट किए हैं, तो ये भी मेरी बेटी है, इसे भी सपोर्ट कीजिएगा, और जैसे मुझे बहुत प्यार दिए वैसे दीजिएगा। अभी छुट्टी है तो बस टाइम पास के लिए भी ऐसे खोल ली है, वैसे ये पढ़ रही है स्कूल में अभी, तो बस अभी छुट्टी है तो बस छुट्टी में थोड़ा सा कुछ टाइम पास किया जाए, इसलिए एक चैनल खोल ली है। तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा देखिएगा, अमरकंटक वगैरह और कहीं कहीं भी घूमने गए थे अपने नाना नानी के साथ, वो सब डाली हुई है, तो आप देख सकते हैं। कम्युनिटी टैब में इसका लिंक आपको मिल जाएगा, मैं शेयर कर चुकी हूँ। और भी मैं हो सकेगा इस वीडियो में आपको आई बटन पे इसका लिंक अगर हो सकेगा या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने का कोशिश करूँगी, आप चेक ज़रूर कीजिएगा। तो वही फ्रेंड, मैं आपको बता रही थी कि यहाँ का मौसम बहुत ज़्यादा गर्मी था, और हमारे सीजी में छत्तीसगढ़ में तो अभी कोरोना पेशेंट थोड़ा थोड़ा मिलना स्टार्ट हो गया है। पहले तो एक दो ही थे, लेकिन अब धीरे धीरे पता नहीं बढ़ते ही जा रहे हैं। और आज मौसम अच्छा हुआ है तो मैं सोची कि चलो आप लोगों से थोड़ा सा बात किया जाए और थोड़ा सा ब्लॉग बना दिया जाए। थोड़ा सा मैं आपको अपना घर का भी टूर करवाऊंगी। और आप लोग, अभी मैं जो वीडियो शेयर की थी किचन क्लीनिंग इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का, तो उसे देखिएगा, बहुत मेहनत की हूँ उस वीडियो के लिए, आप लोगों को पसंद आएगा, तो प्लीज़ उसे देखिए और लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए। बहुत अच्छा टिप्स है, ट्रिक्स है, किचन चिमनी वगैरह साफ़ करने का जो ट्रिक्स है बहुत अच्छा काम करता है, आप भी एक बार उसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो ये देखिए, आज का मौसम बहुत प्यारा है, अभी कुछ देर पहले बारिश हुआ है और ठंड गर्मी मतलब कम लग रहा है, मतलब हम बिना कूलर का रह पा रहे हैं, पंखे ही काफ़ी। और हम लोग ऊपर छत में हैं, इसके ऊपर एक और छत है, अभी ऊपर छत और जाएंगे आपको दिखाऊंगी। ये जो है मेरा जो वो फर्स्ट फ्लोर है, वहाँ का ये तो बालकनी है, जैसे यहाँ पर मैं लगाई हूँ सेमी का पेड़ है। गर्मी बहुत है, देख सकते हैं, इसका मिट्टी मुझे चेंज करना है, इसलिए इसका पत्ता जो है उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि मिट्टी जो है ब्लैक मिट्टी नहीं है। मेरा तुलसी में भी मिट्टी चेंज करना है, मिट्टी चेंज करने वाले थे फ्रेंड्स, उसी टाइम में लॉकडाउन हो गया तो मिट्टी मंगा नहीं पाए, तो बस ऐसे ही हमारा पेड़ पौधा जो है बस ऐसे ही है, नहीं तो मिट्टी जब डाल देते तो और अच्छे से हो जाता। और ये जो है ऊपर का मेरा बालकनी है, तो यहीं पर मैं वॉशिंग मशीन रखी हुई हूँ, यहीं पर कपड़ा वगैरह हम लोग धोते हैं। और ये छोटा सा ये यहाँ पर पोर्च है बालकनी में, और यहाँ पर कुछ बनने वाला है पहाड़ वगैरह, तो अभी रुका हुआ है काम, यहाँ पर पहाड़ वगैरह बनेगा। और वो जो नीचे में आप देख रहे हैं शिवलिंग, वो शिवलिंग को भी हम लोग ऊपर रखेंगे। तो देख सकते हैं बहुत सुंदर दिख रहा है नज़ारा जो है। गर्मी इतना था तो मैं तो शाम को छत में आती ही नहीं थी, पर कल थोड़ा सा सवेरे भी अच्छा पानी गिरा तो मौसम ठीक हो गया है। और आज शाम को भी मैं इसलिए लेके आई कि आप लोगों को दिखाती हूँ, पानी वैसे बंद हो गया है, मैं सोची थी कि पानी गिरते हुए आपको दिखाऊँ, पर पानी बंद हो गया मेरा ऊपर आते तक, और धूप भी निकल गया है, पर उतना गर्मी नहीं है। तो देख सकते हैं सब, अभी घर भी बन रहा है कुछ कुछ यहाँ पर नए नए, और अब कुछ दिनों बाद हरा हरा सभी जगह घास भी उग जाएगा पानी गिरेगा तो। तो चलिए हम लोग चलते हैं ऊपर में, अब आपको मैं ऊपर का व्यू दिखाती हूँ, रुको ना। तो ये देख सकते हैं हम लोग आ गए हैं ऊपर छत में, जहाँ मेरा किचन गार्डन है, किचन गार्डन है यहाँ पर। अरे वाह, यहाँ पानी भर गया, देखो कितना पानी यहाँ पर छत का भर गया है, आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पर मैं कुछ जगहों की बल्कि गमला रखी हूँ, तो ऊपर का जो पानी यहीं पे आ गया है, और पानी यहाँ पर आता है तो पहले मैं यहाँ पे कमल लगाई थी, इसलिए इस गमला को यहाँ पे रखी थी, पर गमला कमल जो है सूख गया है, तो सोच रही हूँ कि इसमें कुछ और। तो
देख सकते हैं हम लोग ऊपर की छत में आ गए हैं, और अभी मेरा बहुत सारा गमला वैसे सूख गया है क्योंकि धूप बहुत था, और धूप रीज़न नहीं है, मिट्टी अच्छा नहीं था इसीलिए सूख गया है। कुछ कुछ गमला है जिसे मैं रोज़ पानी डालती थी क्योंकि मुझे बचा के रखना था। जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाती हूँ, जैसे कि यहाँ पर कोचई पत्ता है, तो ये देख सकते हैं कोचई का पत्ता है, मतलब अरबी लीव्स, इसका रेसिपी भी शेयर की हूँ। और यहाँ पर ये एक गमला जिसमें कुंदरू का पेड़ लगा हुआ है, यहाँ पुदीना लगा हुआ है, तो पानी अभी गिरना स्टार्ट हुआ है तो नए नए पत्ते आ गए हैं उसमें। और ये है मेरा छत, अभी पानी की कमी है तो मैं छत भी अभी धूल नहीं रहा है फ्रेंड्स, देख सकते हैं थोड़ा गंदा आपको दिख रहा होगा, और पानी जब आएगा अच्छे से तो फिर छत को भी धोना है, फिर सभी गमले मिट्टी चेंज करूँगी, और जब मैं पेड़ लगाऊँगी तो आपको दिखाऊँगी सभी गमले मिट्टी चेंज करके सभी को फिर से अच्छे से मिट्टी डाल के पेड़ लगाना है, क्योंकि अभी बहुत ख़राब मिट्टी डाला था, देख सकते हैं मिट्टी का कलर कैसा है, सभी पेड़ इसीलिए मेरा मर गया खाद वगैरह डालने के बाद भी, तो मिट्टी एकदम कलर जो एकदम ब्राउन ब्राउन देख सकते हैं, तो ये मिट्टी अच्छा नहीं होता है, ब्लैक मिट्टी उस समय मिला नहीं तो यही डाल दी थी, हो जाएगा सोच के पर नहीं हुआ, इतना सर में गुलाब भी लगाई थी सभी मर गए फ्रेंड्स। तो मिट्टी बहुत ज़रूरी है कि ब्लैक मिट्टी अच्छा उपजाऊ मिट्टी ही डाले तो हमारा जो पेड़ पौधा है वो बहुत अच्छा होता है। तो बस वही, अब अगर थोड़ा सा लॉकडाउन में अगर मान ले ऑर्डर हो गया तो देखते हैं, बरसात के पहले मंगाने का सोच रहे हैं, अगर आ गया तो ठीक है, नहीं तो फिर तो इस साल ऐसे ही रहेगा। तो ये था आज का छोटा सा ब्लॉग, आई होप आपको अच्छा लगा होगा, और मैं जो मेरी डॉटर का जो चैनल बोली हूँ उसे प्लीज़ एक बार ज़रूर देखिएगा, लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, और आपको ब्लॉग देखना अच्छा लगता है या फिर आपको रेसिपी ये भी बताइएगा फ्रेंड्स, मैं दोनों शेयर करती हूँ, क्योंकि कुछ सब्सक्राइबर जो है रेसिपी पसंद करते हैं, कुछ सब्सक्राइबर जो है ब्लॉग पसंद करते हैं, तो इसलिए मैं दोनों करते रहती हूँ। तो चलिए, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए अब मैं यहीं पर ख़त्म कर रही हूँ, तो आप सब इस वीडियो को भी लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों को। तो चलिए फ्रेंड, हम अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।